जब भी आपसे मिलते हैं एक अंदर से अलग सी एनर्जी आ जाती है हमेशा। आज भी आपको देख के एनर्जी आ रही है इतने इंटरव्यू देने के बावजूद आप आए हैं हमसे मिलने। जानना चाहूंगा ये जो डब कर रहे हैं आप एक बेटी और फादर के रिलेशन की कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। ये ड्रीम कैचर, इसके पीछे एक छोटी सी बात है लेकिन बड़ी पते की बात है। आजकल ये कंप्यूटर्स, गिमिक्स, दिस दैट, सोशल मीडिया, अनसोशल मीडिया, ये बहुत शुरू हो गया ना, तो इसकी अच्छाइयों को हमने बुराइयों में ले गए हैं थोड़ा सा। तो मैं भी इस पर काम करता रहता हूँ, द कैरेक्टर इन द पिक्चर, उसको बोलता रहता हूँ तुमने मासूमियत, बच्चों की मासूमियत छीन ली है, बच्चों को मैच्योर कर दिया है छोटी उम्र में ही। एनीवे, मैं अपना एक कुछ बना रहा हूँ कोई चीज़ उसमें से, जिससे मैं आप लाई डिटेक्ट करते हैं झूठ बोलने वालों को। तो मैं ड्रीम कैचर हूँ, वैसे मैं ड्रीम कैचर हूँ इन लाइफ आल्सो, और मेरे मैं ड्रीम पकड़ लेता हूँ, ड्रीम अपने आप ही आ जाते हैं मेरे पास। तो इसमें वो मेरी जो डॉटर है, हर कोई अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाती हैं, जाना पढ़ने चाहती हैं बन जहाँ, तो मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया क्यों, यहाँ क्यों नहीं, कहती नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप खुद इतने उस तरह के हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितना भी ब्रॉड माइंडेड बाप हो थोड़ी फिक्र तो करते हैं ना बच्चों की। तो मैं भेज देता हूँ, फिर कहती कि पता चला वो शी इज़ इन लव विद समबडी, लव विद समबडी तो भी आदमी सोचता है यार व्हाट इज़ दैट, कि अपनी पसंद की चीज़ है तो अच्छा। तो फिर लव, देन शी इज़ इन लव विद एन ऑस्ट्रेलियन बॉय। तो अब मैं, हम आम जिंदगी में तो पूछ लेते हैं यार वो लड़का वहाँ वो क्या है, कैसा है, कहीं जानबूझ के बोलते हैं हरामी है, ये है वो है, कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं अपने ढंग से उसको रीड करता हूँ। कुछ पता चलता है कि उसके जो थॉट्स हैं डर्टी थॉट्स, आई कॉल हिम बस इस नो आई लव यू डॉटर दिस 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 दिस, देन आई गर्दन से पकड़ता हूँ उसको, दिखाता हूँ उसकी करतूत, लुक दिस इज यू, तो खैर आई से नो गेट लॉस्ट, देन ही चेंजेस इनटू गुड बॉय, उसके थॉट्स भी अच्छे हो जाते हैं, यानी अल्टीमेटली दे गेट मैरिड। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी विद द मैसेज ऑफ फादर डॉटर रिलेशंस, लव, अफेक्शन, न्यू दिस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सब इस तरह से ऐप्स क्या हैं, ऐप्स किस किस के ऐप्स बन सकते हैं, तो उस पर है सारा कुछ, और एक नया तजुर्बा है। एंड वाई आई डिड इट, बिकॉज एक तो ये संतोष और ये राहुल आए मेरे पास, तो अच्छी कहानी लगी और मैं इम्प्रेस भी हो गया, आप ही के साथ तो हैं, आप ही के साथ हैं, तो मैं आपके साथ मैं भी हूँ, तो इस तरह से हाँ तो मैं करने में देर नहीं लगाता, ज़रा पता नहीं नरम दिल हूँ या क्या हूँ। तो पिक्चर बन गई, अच्छी बनी है, लेट्स ऑल प्रे इट शुड बी अ गुड फिल्म, इज द बिगनिंग फॉर मी एंड देम ऑल्सो एंड फॉर एवरीबॉडी। अब इसको देख के मैं अपनी पोएम्स को भी अच्छी बना के पिक्चराइज करूँगा, माई एवरी पोएम इज ए स्मॉल स्टोरी, तो फिर उसको लेके चलेंगे आगे बढ़ेंगे। Okay. तो इश्क है कैमरे से, तो इश्क है ये भी मुझसे इश्क करता है। धर्म जी, आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, जो आपकी शायरी है, कविता है, उसके आप वीडियो बनाने वाले हैं, क्या वो प्रोसेस चालू हो गया है या उसे आप प्रोसेस चालू हो रहा है? मैं थोड़ा सा लेजी आदमी हूँ, मैं फार्म पे चला जाता हूँ ये करने के लिए, वहाँ मैं कुदरत में खो जाता हूँ, किसान हूँ, वहाँ अपने क्या ऑर्गेनिक क्या किया जाए, भैंसे हैं तो गोबर को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसमें चला जा, बेसिकली तो गांव से आया हूँ ना, तो लेकिन करूँगा मैं ज़रूर ये मैं, बहुत प्यारी प्यारी इच्छाएँ हैं इंसान के अंदर, अगर ये ना हो तो इंसान चलता फिरता नहीं, यही हैं जो लिए उड़े फिरती हैं मुझे, मेरी पोइट्री, माई लव विद कैमरा, विद माई लव विद माई पीपल। आपकी हर शायरी, अगर आप एक अल्फाज भी कहते हैं, एक लाइन भी कहते हैं, बहुत गहरी बात कह जाती है, क्या उसको इन द फॉर्म
वीडियो भी पिक्चराइज करेंगे या आप खुद ही बोलेंगे? नहीं नहीं, उसमें मैं ही हूँगा मेन इधर, उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्क्रीन प्ले के साथ करेंगे, कुछ वैसे करेंगे, कुछ बोल के डायरेक्ट बोल के करूँगा, कुछ अच्छी बात तो यूं कह दी जाए तो लग जा बन जाती है ना। ओके अभी उसके अलावा मैं दिलीप साहब की तबीयत नासाज है और आप बहुत क्लोज हैं उनके, हम सब जानते हैं, आप बहुत ही क्लोज हैं, क्या कहना चाहेंगे? और मैं उदास हूँ भाई, कोई भाई बीमार हो तो दुखी हो जाता है हर इंसान, दुआएं तो हमेशा ही करते रहते हैं, फिर और ज़ोर से दुआ की तासीर आ सके दुआ में ले आते हैं, और मेरा दिल कहता है वो ठीक हो के आ जाएंगे, जल्दी ठीक हो के आ जाएंगे। आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, नहीं हिंदुस्तान के दुनिया भर के सबसे बड़े एक्टर हैं हमारे लिए। तो कुछ यादें ताज़ा होती हैं, अभी आपने मेरे पत्रकार मित्र से कहा कि कहीं पार्टी में थे और आपने पैक बना के दिया, उन्होंने कहा कि अरे तो हाँ वो ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो तो उसके ऊपर तो सेपरेट पिक्चर बनाएंगे ना उसके इतनी बातें हैं कि मेरी तो जहाँ गए दास्तान छोड़ा है, यहाँ से आए दास्तान ले आए, तो हम तो दास्तान छोड़ाते हैं दास्तान ले आते हैं, यही जिंदगी है। हाँ अभी अपने वो फिर से मैं जोश में आ गया हूँ। अच्छा वो पोस्टर बॉयज वो तो हिट पिक्चर थी मराठी की, तो मैंने उसका ट्रेलर देखा तो मैं तो बहुत हंसा उसमें, मुझे लगा कि अच्छी फिल्म थिएटर में रहा है, मुझे दिखाई नहीं फिल्म, मैं बात क्या दिखाना है, तो मैं मुझे कुछ सुना दो ऐसे टाल जाते, डरते ही टाल जाते हैं, तो मैं कुछ गलती नहीं पकड़ लूँ। मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो झिझक जाते हैं, बड़ा थोड़ा शर्मीला भी है, इंट्रोवर्ट है, छोटा सा टालू है टाल के पापा नहीं, तो हम देखते रहते हैं यार ये छोटे छोटे देखे क्या ड्रीम दिए थे ये उनको बना के चले जाते हैं, लेकिन फिल्म अच्छी बनी है वो, और मेरा दिल कह रहा है कि वो चलेगी फिल्म। और फिर कहते हैं आवाज़ें खल्क नकारे खुदा होती है, तो खल्क की दुआएं भी साथ होंगी तो उसका नकारा बज ही जाएगा। संतोषी सर को डायरेक्ट कर रहे हैं आप, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, आपका अनुभव कैसा रहा सर के साथ? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि इट्स माय प्लेजर, ये मेरा प्लेजर है और इनकी ब्लेसिंग की वजह से ये पिक्चर कंप्लीट हो पाई है, जो शॉर्ट फिल्म है, अगर ये नहीं होते तो शायद कंप्लीट हो भी नहीं पाती है, और इनकी ब्लेसिंग की वजह से। कैसे इनका सर का ध्यान आया कि आप इनको लेना है फिल्म में और इन्हीं के साथ फिल्म बनानी? ये मेरा भी ड्रीम था, है ना, बचपन का ड्रीम था, एक छोटे से गांव का एक बच्चे का ड्रीम था जो मुंबई शहर में आया, और जो बचपन से सर को देखते आए थे, इतने बड़े लेजेंड को देखते आए थे, इनके साथ यमला पगला दीवाना में एज एन असिस्टेंट काम करने को मिला पार्ट वन में, उसके बाद से मैंने सोचा था कि इनके साथ काम करना है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी डेब्यू इनके साथ हो रही है, इनकी ब्लेसिंग की वजह से हो रही है। और जब ये मुझे मिले तो नहीं पता चला ये तो मुझे मेरे से गांव से भी छोटे गांव से आया है, ये तो मुझसे इसके ड्रीम तो मुझसे भी ज़्यादा है। फिल्म का नाम कैसे रखा? ड्रीम कैचर। हाँ वो कैसे रखा आपने, क्यों रखा? बताया कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम था, छोटे से गांव से एक बच्चे का छोटा सा ड्रीम था जो शहर में सर के साथ काम करने के बाद वो ड्रीम पूरा हुआ। सर हेमा जी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है और आप ड्रीम कैचर कर रहे हैं, अभी उस वहाँ यहाँ क्यों घूम रहे हैं आप, बात की किसी बहाने उनको क्यों याद दिला रहे हो? वो भी आपको हमेशा बहुत याद करते हैं, कोई सब हैं सब दे, अभी उसको जाती जिंदगी रहे पोशीदा, इसी में इसकी खुशनमाई है, जाती जिंदगी रहे पोशीदा इसी में इसकी खुशनमाई है, हो जाती है नीलाम चौराहे पे शारे हम जब जब आई है। पर्सनल लाइफ इज दिस। हाँ सबकी दुआएं भी चाहता हूँ कैसा हो अच्छा, इससे एक ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। एक ड्रीम जो आपको रियलाइज करना हो आपको आने वाले समय में, एक ऐसा कोई ड्रीम?
अच्छा कहलाने की बजाय हर इंसान अच्छा बनने की कोशिश करे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ ना कहे, मैं अच्छा मैं बनूँगा ऐसे बनूँगा तो मुझे लोग कहेंगे। दूसरा, वी वर बॉर्न ह्यूमन बीइंग, इंसान पैदा हुए थे हम, और इंसानियत का फ़र्ज अव्वलीन, पहला फ़र्ज क्या है? टू लव इंसान, टू लव ह्यूमैनिटी। वो हम भूलते जा रहे हैं, इंसान का इंसान से कहना था। अगर मैं आपसे अब प्यार से बात कर रहा हूँ, आप भी प्यार से सुन रहे हैं ना मुझे, अगर यही बात हम आम घरों में, ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएँ तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आज से ये शुरू करके देखिए इसको, कि आज मैंने किसी को कुछ अच्छा ही कहना है, मिलना है तो मुस्कुरा के मिलना है, कोई गलत हो उसको प्यार से समझा के जाऊँगा, मिलूँगा, उसका असर देखिए क्या होता है। लव इज़ कंटेजियस एंड ईगो इज़ कंटेजियस, कोई भी कंटेजियस अगर आप करेंगे तो उतना ही मिलता है। मेरा क्या है, मेरे अंदर कुछ पता नहीं कुदरती है, मैं मिलता हूँ सबसे तो आई कांट स्टैंड अवे, हाय बेटे क्या हाल है सबसे, मैं टिंगलबाजी करते चला जाता हूँ, मुझे अपने लगते हैं सब। मैं यहाँ पे जब स्ट्रगलिंग डेज में बाहर से घूमता था, ये खाड़ी पार कर जाता था समंदर, हाफ पैंट पहन के सात बंगले से मैं जू होटल तक जाता था, और यहाँ खड़े होकर देखता था, ये सनी साउंड के सामने एक छोटी सी कॉटेज है आज भी है, कि जब पैसे आएंगे चार तो मैं ये खरीदूँगा। वो दूरबीन लगा के देख रहा होगा कि यार तैर के जा रहा है और इसकी बड़ी बड़ी इच्छाएँ हैं, इसका कुछ किया जाए। तो इफ़ यू वर्क हार्ड विद जेन्युइन फीलिंग, प्यार से, उसमें नेकी से, मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर में, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्क़त के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। चलिए खुश रहो, एक आज में प्यार से जाएंगे सब लव में। ओके।